सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 13 Pro Max या फिर iPhone के किसी भी फोन के बारे में। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को होती है, अक्सर जब हम फोन चेंज करते हैं या फिर हमें हमारे पास कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि यार उन कॉन्टेक्ट को डिलीट कर दें, यानी कि मतलब एक है कि कॉन्टेक्ट को डिलीट करना। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आप iPhone के अंदर या फिर iPhone 13 Pro Max के अंदर अपने कॉन्टेक्ट को एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ गाइज आप लोग देख सकते हो, अगर आप जो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, बट इनको अगर डिलीट करने के लिए कहीं से भी कोई भी ऑप्शंस निकालो तो डिलीट करने के लिए नहीं कहते। यहाँ पे आपको या तो मैसेज जो है मतलब मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, बट यहाँ से अगर ज्यादा ज्यादा एक कॉन्टेक्ट एक एक करके कॉन्टेक्ट को डिलीट कर सकते हो। बट हमें सारे कॉन्टेक्ट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे यार एक साथ? चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोग कैसे करोगे सारे कॉन्टेक्ट को एक साथ डिलीट। चलो गाइस देखो, आपको करना क्या रहेगा, ये यहाँ से तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, कॉन्टेक्ट के अंदर जाके यहाँ से जो है पॉसिबल नहीं है कि भाई आप इसे जो डिलीट कर सको। तो आपको करना क्या रहेगा कि आपको जाना है अपने ऐप स्टोर में, और यहाँ पे ठीक है ऐप स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है। चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सर्च करना है डिलीट कॉन्टेक्ट, ठीक है, आपको ये सर्च करना है डिलीट कॉन्टेक्ट। और इसके बाद ये देखो गाइस सेकंड नंबर पे ये वाला ऐप आ जाएगा, ठीक है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको इजीली इसे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा एंड देन उसके बाद बैकअप और कैंसिल, तो हम जो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं, देखो ऑल कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, ऑल कॉन्टेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे डन, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपसे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ से आप किसी भी जिस कॉन्टेक्ट को जो मतलब कि आपको हटाना है डिलीट करना है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ओके गाइस देखो, यहाँ से जो कॉन्टेक्ट है वो डिलीट होने के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप जो इजली जो है मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो डिलीट करना है भाई, तो यहाँ पे आप नीचे देखो, या आप कॉपी पेस्ट मूव या बैकअप कुछ भी कर सकते हो, नीचे आप देख रहे हो डिलीट का ऑप्शन भी। चलिए मैं ऐसे जो ये 5 कॉन्टेक्ट डिलीट कर देता हूँ। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट हमारे डिलीट सक्सेस हो गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो अपने आईफोन के अंदर जो कॉन्टेक्ट को डिलीट कर सकते हो, एक साथ सारे कॉन्टेक्ट डिलीट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। कोई और टॉपिक है तो प्लीज हमें कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट।